मेरे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। कहते हैं जो इच्छा कर ही मन माही, प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ नाही। जो मन में हमारी इच्छाएं हो, प्रभु को उसे पूरा करने में देर नहीं लगती है। एक बार क्या हुआ, नारद जी भगवान के साथ विचार विमर्श करने आए। वो तो हमेशा बातें करते रहते हैं। तो एक बार नारद जी ने क्या किया, भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे भगवान, जो आपके भक्त होते हैं वो बेहद गरीब क्यों होते हैं। तो भगवान बोले नारद जी से कि जो मेरी कृपा है ना, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है, वो बहुत कठिन काम है। इतना कहकर भगवान ने क्या किया, नारद को एक साधु का भेष बना दिया और खुद भी साधु बन गए और कहा चलो मेरे साथ आज पृथ्वी पर विचरण करते हैं। वो पृथ्वी पर पधारे और जब वो आए तो एक सेठ जी के घर गए और सेठ जी का दरवाज़ा खटखटाया। सेठ जी ने दरवाज़ा खोला, बोले सेठ जी कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखे हैं, बहुत भूख लगी, हम दोनों साधु भूख के मारा छटपटा रहे हैं, कुछ खाने को दे दो। सेठ बोला ठक, दरवाज़ा ऐसे खटखटा रहे जैसे इनके बाप का घर है, क्यों लड़ा से झूठ मूठ साधु का भेद बनाया चले आए मांगने। अरे हट्टे कट्टे लाओ, जब कमा के खाओ, मेहनत नहीं करना है, कुछ खाने को दे दो, चलो दे जाके किसी होटल में खाना मांगो। और उन्होंने उसको भगा दिया। नारद जी बोले देखा भगवान, आपने इसको इतना धन दौलत दिया और ये कैसे दुत्कार रहा है, कैसे भगा रहा है, कैसे निरादर कर रहा है, ये आपका भक्त है, इसको शाप दे दो। भगवान बोले ठीक है, ईश्वर करे इसका धन दौलत दिन दूनी रात चौगनी इसमें बरकत होती रहे, बढ़ता रहे इसका धन। नारद सोचे हैं उसने भगा दिया, इतना अपमान किया, कहने की इसके धन में दिन दूनी रात चौगनी बरकत होती रहे, ये क्या बात है। खैर नारद जी चुप रहे, आगे चले, एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया बेहद गरीब, बहुत ही निर्धन, उसका दरवाज़ा खटखटाया। दौड़ी भागी वाई, उसने दरवाज़ा खोला, बोली अरे मेरे द्वार पे साधु महाराज आए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। उन्हें मैया बड़ी भूख लगी है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दे। बोली अरे अंदर आओ अंदर आओ। उसने जो उसके पास चटाई थी बिछाई, उस पर दोनों को बिठाया, कहा बैठो। देखा घर में कहीं कुछ नहीं, चारों तरफ वीरान पड़ा, कुछ नहीं। और उसने क्या किया, 2 गिलास दूध लेकर आई, बोली भगवान मेरे पास सिर्फ एक गाय है और उसी का दूध मुझे नसीब होता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो ये लो दूध शुद्ध है बिल्कुल, पियो। अब दोनों ने बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा ताज़ा दूध पिया, बहुत खुश हुए। और बूढ़ी माता बहुत प्रसन्न हुई, बोली कितना मेरा सौभाग्य कि आज के दिन मेरे घर में मेहमान आए, अतिथि आए, मैं तो धन्य हो गई। लेकिन दुख इसी बात का है कि मेरे पास कुछ है नहीं, प्रभु मैं आपको खिलाऊं क्या। उन्हें अरे मैया तेरा इतना प्यारा मीठा दूध स्वादिष्ट पी करके तो मेरा मन क्या आत्मा तक तृप्त हो गई, पेट भर गया। अच्छा मैया चलते हैं, वहाँ से दरवाज़ा बंद कर लिया अपना। बूढ़ी माता ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। अब नारद और भगवान जी दोनों चल पड़े। नारद जी ने कहा कि प्रभु कितनी अच्छी है माता, इसे कुछ आशीर्वाद दे दो। भगवान कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले अच्छा ठीक, इसको आशीर्वाद देता हूँ, जा तेरी गाय मर जाए। नारद को बहुत गुस्सा चढ़ा, उनके तन बदन में आग लग गई, बोली क्या करते हैं आप, उसने इतना दुत्कारा फटकारा, उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी धन की बरकत होती रहे। और ये बूढ़ी माता ने इतनी सेवा की तो इसके पास बेचारी के पास यही एक गाय, वो भी मर जाए, कैसे निष्ठुर हो आप। भगवान बोले इसकी मौत करीब आ रही है, इसका मन हमेशा इसी गाय में लगा रहेगा और ये यही सोचेगी कहीं इस गाय को कोई कसाई न ले जाए, कहीं उसके यहाँ तो इसकी हत्या न हो जाए। तो जब ये गाय मर जाएगी तो ये गाय की चिंता से मुक्त हो जाएगी, नहीं तो उसको गायों नहीं प्राप्त होगी। और जहाँ सेठ को मैंने कहा कि तुम्हारा धन दिन दूनी रात चौगनी बरकत होती रहे, उस सेठ का मन अंत समय तक अपनी तिजोरी में, अपने धन में, अपने घर मकान में ही लगा रहेगा, जिसका परिणाम स्वरूप ये होगा कि जब उसकी देह छूटेगी, जब उसकी मृत्यु होगी, वो सांप बन करके उसी तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा। तो नारद मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मेरी कृपा को समझ पाना बहुत ही
कठिन है, इसलिए हम सबको चाहिए कि चाहे जितनी बिजी लाइफ हो, चाहे जितने हम व्यस्त हों, समय निकालकर अपने उस ईश्वर को जिसे हम अल्लाह वाहेगुरु जीजस न जाने कितने नामों से बुलाते हैं, उसका स्मरण करते रहो, क्योंकि वही काम आएगा। तो मेरे साथियों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। भाई सबको टाटा बाय बाय।